LSp4 <us> 2.70 सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है यह वीडियो मुद्रा और साख का पार्ट टू है पार्ट वन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे बैंक बैंकों में निक्षेप भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की सकारात्मक भूमिका ऋण की नकारात्मक भूमिका ऋण की शर्तें साख के स्रोत स्वयं सहायता समूह तो बच्चों चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों हमें बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ जानने से पहले हमें बैंकों के बारे में जानना होगा बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से धन राशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है अब आप सोचेंगे कि जमा करता कौन है जमा करता वो लोग हैं जो अपना अतिरिक्त मुद्रा लाभ कमाने हेतु अथवा सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों में जमा करते हैं कर्जदार जमा करता जो अपना अतिरिक्त मुद्रा बैंकों में जमा करता है उस अतिरिक्त जमा मुद्रा को बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों जैसे व्यापारियों व्यवसायियों किसान आदि को ऋण के रूप में देती है इन्हें कर्जदार कहते हैं बदले में बैंक ब्याज के रूप में कर्जदार द्वारा धन कमाते हैं बैंकों में निक्षेप लोगों को रोजमर्रा की ज़रूरत के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है और वो अपनी बची हुई मुद्रा को बैंक में जमा कर देते हैं लोग अपने नाम से खाता खोलकर बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक इस राशि के बदले लोगों को सूद देते हैं लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इस राशि को निकाल भी सकते हैं इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है बच्चों अभी हमने बैंकों के बारे में जाना लेकिन क्या आपको पता है इन सारी बैंकों की निगरानी कौन करता है जी हाँ रिजर्व बैंक भारत में रिजर्व बैंक वो बैंक है जो सारी बैंकों की निगरानी करती है बच्चों रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों पर नज़र रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए नीति निर्धारण का काम करता है उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं आर नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं आर इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करवा रहे बल्कि छोटे किसानों छोटे उद्योगों छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ जिसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हुआ अब हम बात करते हैं ऋण के बारे में ऋण साख कर्ज उधार ये सब एक ही चीज है ऋण की सकारात्मक भूमिका ऋण उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है ऋण किसी भी व्यक्ति को आगतों की खरीदारी या उत्पादन को पूरा करने में मदद करता है ऋण लोगों को घर बनाने में मदद करता है कुछ लोग घर बनाने में ऋण की सहायता लेते हैं उद्योग के विकास में ऋण सहायक है आगतों की खरीदारी और फसलों की उपज में सहायक है आय बढ़ाने में ऋण सहयोग करता है ऋण की नकारात्मक भूमिका ब्याज की ऊंची दर ऋण की ऊंची दर लोगों को बदतर स्थिति में डाल देते हैं और लोग कर्ज जाल में फंस जाते हैं कर्ज जाल वो स्थिति है जिसमें कर्ज एक पीढ़ी नहीं चुका पाती है तो दूसरी पीढ़ी पर चली जाती है वस्तुओं को गिरवी रखना पड़ता है कर्ज लेने के लिए बहुत से लोगों को अपनी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है और उसके बदले में ऋणदाता उनको ऋण देते हैं गरीबों के लिए ऋण की उपलब्धता कम ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बैंक की उपलब्धता नहीं है और जो साहूकार महाजन हैं वो उन्हें ऋण नहीं उपलब्ध कराते हैं क्योंकि गरीब लोग ऊंची ब्याज दर पर ऋण नहीं ले सकते ऋण की शर्तें ऋण की शर्तों में ब्याज दर सबसे पहला शर्त है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है ऋण की दूसरी शर्त समर्थक ऋणाधार है समर्थक ऋणाधार की मांग कर्जदार गिरवी रखने के लिए करता है ऋण की तीसरी शर्त आवश्यक कागजात है बच्चों ब्याज दर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं अब हम बात करते हैं समर्थक ऋणाधार के बारे में समर्थक ऋण आधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार होता है जैसे भूमि इमारत गाड़ी पशु इसका इस्तेमाल कर्जदार उधारदाता को गारंटी देने के लिए करता है जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता ये वस्तुएं उधारदाता की हो जाती है और उधारदाता को इसे बेचने का पूरा अधिकार भी होता है इसके अलावा आवश्यक कागजात की भी जरूरत होती है जैसे आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड या कोई अपना महत्वपूर्ण दस्तावेज इन सब का इस्तेमाल गारंटी के तौर पे और आपका पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है साख के स्रोत साख के स्रोत में औपचारिक स्रोत आता है औपचारिक स्रोत में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं और अनौपचारिक स्रोत में जमींदार महाजन रिश्तेदार आते हैं औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने में हमें समर्थक ऋणाधार की जरूरत होती है भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है समय समय पर बैंकों को आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वो किनको और कितना ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं साख के अनौपचारिक स्रोत साख के अनौपचारिक स्रोत में समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता नहीं होती और आपसी विश्वास पर आधारित होता है और ये उच्च ब्याज दर पर भी होता है अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता का कारण बच्चों अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं बैंकों की अनुपस्थिति बहुत जगहों पर बैंक नहीं रहने के कारण लोग अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं बैंकों से ऋण लेना कठिन है बैंकों से ऋण लेना लोगों को कठिन लगता है इसलिए वो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं समर्थक ऋण आधार के बिना बच्चों औपचारिक स्रोत समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं जिस वजह से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है कागजात की आवश्यकता नहीं अनौपचारिक स्रोत में कागजात की आवश्यकता नहीं होती है अभी तक हमने पढ़ा ऋण के स्रोतों के बारे में इसके अलावा एक और स्रोत होता है स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूह पंद्रह से बीस लोगों का समूह होता है ये सदस्य आपस में पड़ोसी होते हैं या एक गांव के होते हैं ये पंद्रह से बीस लोग नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं सभी सदस्य यहाँ कुछ पैसे जमा करते हैं और सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसे को इकट्ठा करते हैं यहाँ पर सदस्य पच्चीस से सौ रुपये तक जमा करते हैं स्वयं सहायता समूह में जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दिया जाता है फिर वह स्वयं सहायता समूह उस राशि पर ब्याज लेता है इस तरह के कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं तो बच्चों अब यह पाठ यही समाप्त होता है इस पाठ में हमने पढ़ा बैंक के बारे में बैंकों में निक्षेप भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में ऋण की सकारात्मक भूमिका के बारे में ऋण की नकारात्मक भूमिका के बारे में ऋण की शर्तें साख के स्रोत स्वयं सहायता समूह क्लास नाइन और क्लास टेन के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो बच्चों फिर हम मिलेंगे अगले अध्याय में तब तक के लिए बाय बाय